कहानी के स्टार्टिंग में जी मौली को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं जल्दी कातिल बनने वाली हूँ क्योंकि आज मैं अपनी बॉयफ्रेंड की जान लूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को जिनके हाथ में एक रिंग होती है। जैसे ही वहाँ पे जी मौली आती है तो वो उसे अपने करीब कर लेते हैं उसे किस करने के लिए, पर जी मौली उन्हें रोकती है और अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए कहती है। जब वो यहाँ पर ड्रिंक पी लेते हैं तो जी मौली उनके करीब जाती है। यहाँ पर वो अपना नाइफ निकालने लगती है उन्हें मारने के लिए और यहाँ पर नशे की हालत में मिस्टर श्याओ कह रहे होते हैं जी मौली मैं आज काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जल्दी मैं अब तुमसे मैरिज करने वाला हूँ। यहाँ पे उसकी ये बात सुन के जी मौली सोचने लगती है कि ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना, मेरे साथ इसने इतना बुरा किया है और फिर भी कितना अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। वो यहाँ पे उन पर अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ की गार्ड आने लगते हैं जिसके बाद जी मौली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जी मौली भागते हुए जा रही होती है तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ की मॉम आकर उसे रोक देती है और कहती है तुम्हारे फादर कातिल है, तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती हो। जी मौली कहती कि मेरे फादर ने कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। वहाँ पे होती है लिया भी जो कहती है कि कितना झूठ बोलोगी जी मौली, तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है और अब भी तुम मिस्टर श्याओ का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हो। यहाँ पर वो लोग उसे उस समय मिस्टर श्याओ से मिलने नहीं देते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर तंग करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है पूरे 8 साल बाद जी मौली एयरपोर्ट पे होती है और किसी को फ़ोन करके कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी एक बच्ची आती है उससे टकरा जाती है लेकिन वो बच्ची उसे बार बार मॉम कहने लगती है। जी मौली कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि लिया एक काफ़ी अच्छी सुपरस्टार बन जाती है तो वो सभी उसके फ़ैन होते हैं। लिया के जो फैंस होते हैं वो यहाँ पे उस बच्ची से थोड़ा टकरा जाते हैं लेकिन यहाँ पे जी मौली उस बच्ची को गिरने से संभाल लेती है। उसके बाद जी मौली लिया को आवाज़ देकर कहती है अगर किसी को तुम्हारी वजह से हर्ट होता है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लिया यहाँ पे जी मौली को जैसे ही देखती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये 8 साल बाद यहाँ पे वापस क्यों आ गई है। तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग उन्हें देखकर कहने लगते हैं कि ये तो लिया का फियांसे है ना, शायद ये उन्हें रिसीव करने आया है। यहाँ पे लिया भी मिस्टर श्याओ को देखकर कहने लगती है देखिए ये लड़की मुझे तंग कर रही है। लेकिन जैसे ही मिस्टर श्याओ का ध्यान जी मौली पे जाता है तो वो तो उसे देखते ही रह जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली तुम वापस आ गई हो मेरे पास और जाकर उसे एकदम से किस करते हैं। पर जी मौली गुस्से में उन्हें एक चाटा मारती है और उसके बाद लिया उसे कहती है अगर ये तुम्हारा फियांसे है तो तुम इसे कंट्रोल में रखो। उसके बाद वो अपना सामान लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है लेकिन यहाँ पे श्याओ चाटा खाने के बाद भी काफ़ी खुश नजर आता है तो उसका असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है मैडम 8 सालों में काफ़ी चेंज हो गई है। यहाँ पे श्याओ कहता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो वापस आ गई है मैं इसीलिए खुश हूँ। तभी उसके पास लिया आ जाती है और कहने लगती है श्याओ ये तुम क्या कर रहे थे। तो उससे कहता है श्याओ पहले तुम मीडिया के सामने जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ और आगे से ऐसी बेकार की खबरें तुम्हारी तरफ से बाहर नहीं आनी चाहिए। वो वहाँ से ऐसा कहकर उस बच्ची को गोदी में उठा लेता है और वो भी उसे डैडी कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है लेकिन लिया को गुस्सा आता है कि 8 साल में भी तुम उसे नहीं भूले हो, मेरी तरफ तुमने मुड़के भी नहीं देखा है। उसके बाद पार्किंग एरिया में दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ से उनकी बेटी कहने लगती है देखिए डैड वो तो मॉम है ना। मिस्टर श्याओ उस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जी मौली हैंग से मिल रही होती है। ये देखकर श्याओ को बुरा लगता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो जी मौली के साथ कोई नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे फिर वो उसे बताने लगता है असिस्टेंट असल में 8 साल तक मैडम के साथ कोई भी मेल पर्सन नहीं रहा है, शायद हैंग उनका फ्रेंड है इसलिए उन्हें रिसीव करने आया है। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है यहाँ पे श्याओ को, इसलिए श्याओ कहने लगता है अगर हैंग फिर से उसके साथ नजर आया तो उसके बिग ब्रदर को बता देना कि हमारी कंपनी उनके साथ कॉपरेट नहीं करेगी, सारे बिजनेस डील को तोड़ देगी। ऐसा कहकर वो गुस्से में कार में बैठ जाता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस का दिमाग बहुत गर्म है, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। तभी यहाँ पे श्याओ कहता है क्या तुम ड्राइविंग नहीं करोगे, तो तुरंत ही असिस्टेंट सॉरी बोल के कार में बैठ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जी मौली को जो कि होती है मिस्टर हैंग के साथ। हैंग यहाँ पे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बाद जी मौली कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फैमिली के मेम्बर ही मेरे फादर को जेल पहुँचाएंगे, मेरे रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज निकले लेकिन अब मैं इन सब से बदला लूँगी। वो यहाँ पे मिस्टर हैंग को थैंक्स कहती है क्योंकि 8 सालों में उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की है और उसकी बीमार मॉम का भी काफ़ी ध्यान रखा है। तो मिस्टर हैंग कहते हैं थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वो यहाँ पे उसकी आगे भी मदद करने की बात कहते हैं ताकि वो अपना रिवेंज ले सके, पर जी मौली कह देती है अब आगे मुझे जो भी करना है मैं खुद करूँगी। तभी वहाँ से मिस्टर
शव की कार गुजरती है और वो काफ़ी गौर से उनकी तरफ देखते हैं तो जी मोली अपने हाथ को देखने लगती है। उसे याद आता है कि 8 साल पहले जब वो उन पर अटैक करने गई थी तो उसके हाथ में ही चोट लग गई थी, लेकिन उन पर वो अटैक नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आता है मिस्टर शव के लिए। वो उनसे भी बदला लेना चाहती है। उसके बाद देखते हैं जी मोली के अंकल आंटी को वो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने डी ग्रुप के साथ काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, इसलिए वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जी मोली पहुँच जाती है मिस्टर हैंग के साथ तो वो लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पे उसकी फैमिली उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जी मोली कहती है क्या आप लोग मेरे वापस आने से खुश नहीं हुए हैं। उसके अंकल यहाँ पे अच्छे बने का दिखावा करते हैं और कहते हैं हम तो काफ़ी खुश हैं, आई थिंक तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए, तुम टायर्ड हो गई होगी ना क्योंकि 8 साल बाद तुम वापस आई हो। पर जी मोली कहती है कि रेस्ट करने का समय अब ख़त्म हो चुका है, मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि ये विला मेरा है तो इसलिए मैं इसे अब वापस लेने आई हूँ। लेकिन उसकी फैमिली उसकी इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती है और उसकी सिस्टर तो उससे कह देती है कि तुम्हारे फादर कातिल है तो तुम्हारा अब हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो ये चीज़ें अब तुम्हें कैसे वापस मिल सकती है क्योंकि ये हमारी हो चुकी है। तो जी मोली उसे एक चाटा मार देती है। उसकी आंटी उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो जी मोली उनका भी हाथ पकड़ लेती है और कहती है शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ समय मैं और मेरी फैमिली यहाँ नहीं थे तो आप लोग हमारी हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। वो उन्हें फाइल्स देती है और कहती है कि इन पर साइन कर दो, लेकिन वो फैमिली मारने को तैयार नहीं होती है उसकी बात और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर जी मोली कहती है कि आप लोग इसलिए खुश हो रहे हैं ना क्योंकि आप लोगों ने डी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल करवा देती हूँ। बट यहाँ पर वो उसकी ये बात सुन के हंसने लगते हैं, लेकिन जी मोली तो यहाँ पे किसी को फोन करती है और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए कहने लगती है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि डी ग्रुप तुम्हारे कहने पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि जी मोली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे खर्चे पानी उठा सकता हूँ। लेकिन जी मोली गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है, जिसके बाद वो पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। सभी लोग जी मोली को वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी देखते हैं जी मोली के अंकल के पास डी ग्रुप की तरफ से कॉल आ जाता है तो वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी उनसे फ़ोन ले लेती है और जी मोली से कहती है अब तुम खुद सुनना कि क्या होने वाला है। यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा रहा है। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सब कुछ जी मोली की वजह से हो रहा है। उसके बाद बाहर हमें दिखाया जाता है मिस्टर शव को अपने असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट बता देता है कि मैडम जी मोली यहाँ पर अपना घर अपने अंकल आंटी से वापस लेने के लिए आई हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वो लोग जी मोली पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम कैसे डी ग्रुप के साथ कनेक्शन रख सकती हो। यहाँ पे उसे बेकार बेकार की बातें कहने लगते हैं। तभी पीछे से वहाँ पे मिस्टर शव आ जाते हैं तो जी मोली उन्हें देखी कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे वेलकम नहीं है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। शव कहता है कि मैं आया हूँ, तुम्हारे अंकल आंटी ने बुलाया था इसीलिए। उनके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है जी मोली की सिस्टर और कहती कि देखिए ये हमें परेशान कर रही है। लेकिन जी मोली उन्हें काफ़ी गुस्से से देख रही होती है तो मिस्टर शव उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। जी मोली कहते कि तुम अच्छा बने का दिखावा मत करो, 8 साल पहले भी तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली थी और शायद आज भी तुम वही करने आए हो। तो उसके पास आ जाते हैं मिस्टर शव और कहने लगते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, 8 साल पहले मैंने क्या किया था जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तभी यहाँ पे हैंग उसके हाथ को रोकने लगता है और कहता है आप जी मोली से दूर रहे। तो यहाँ पे उससे शव कहने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है जो तुम मेरे हाथ को रोक रहे हो। जी मोली यहाँ पे हैंग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें ये जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे और इसके बीच में क्या रिश्ता है। जी मोली की ये बात सुन के मिस्टर शव उससे गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम इसकी वजह से मुझ पे गुस्सा कर रही हो जी मोली, और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं इस लेडी से तो अच्छे से डील मिस्टर शव ही कर सकते हैं। पीछे से जी मोली की सिस्टर भी कहने लगती है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी जी मोली, क्योंकि मिस्टर शव हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो जी मोली कहने लगती है शव से अच्छा तो अब आप इनकी हेल्प करेंगे, कैसे आप इनकी हेल्प करने वाले हैं, क्या आप डी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलकर बात करेंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट को टूटने से बचाएंगे। तभी यहाँ पे मिस्टर शव उसके फेस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम मेरी 8 साल पुरानी वाली गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें इतना पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुन के हैंग सोचने लगता है अच्छा तो ये है जी मोली का एक्स बॉयफ्रेंड जिससे वो अभी भी प्यार करती है।
श्याओ यहाँ पे अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि जी मोली के अंकल से कहो कि वो चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दे। ये देखकर जी मोली कहने लगती है, आप क्या करना चाहते हैं? 8 साल पहले आपने मुझे धोखा दिया था, फिर से अपनी बातों में फंसाकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। श्याओ कहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी मोली उन्हें एक चाटा मार देती है। ये देखकर सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं। यहाँ पे श्याओ फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो काम मैंने तुमसे कहा है वो करवाओ। और उसके बाद वो जी मोली को जबरदस्ती वहाँ से उठा लाते हैं। हैंग रोकने की कोशिश करता है तो मिस्टर श्याओ के गार्ड उन्हें कर लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। हैंग चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे जाने दो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो असिस्टेंट कहता है हैंग से, आप उन दोनों के बीच में ना आए तभी अच्छा है, क्योंकि उनका प्यार बहुत पुराना है, बीच में आने का कोई फायदा नहीं है। वहां से हैंग फिर भी जबरदस्ती निकल जाता है उन गार्ड्स को हटाकर। उसके बाद हम देखते हैं जी मोली को मिस्टर श्याओ लाकर कार में बिठा देते हैं, बट वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे श्याओ कह देता है, अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हें किस करूंगा। ये बात सुनकर वो चुपचाप ही कार में बैठी रह जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पार्टी में, जहाँ पे सभी लोग शॉक होते हैं कि मिस्टर श्याओ तो जी मोली की ही मदद कर रहे हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें फाइल उठा कर देता है और कहता है, क्या लेंगे आप इन पेपर्स पे साइन करने का? अब आप लोगों को ये घर छोड़ के जाना है। यहाँ पे उसकी सिस्टर तो मानने को तैयार नहीं होती है, लेकिन उसके डैड चुपचाप साइन कर देते हैं क्योंकि वो मिस्टर श्याओ से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को, जो कि जी मोली को अपने घर ले आते हैं। यहाँ पे वो जी मोली को पकड़ के रखते हैं। जी मोली यहाँ पे चिल्लाकर कहने लगती है, अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। पर फिर भी मिस्टर श्याओ उसे किस करने लगते हैं तो जी मोली उन्हें बाइट कर लेती है, जिसके बाद श्याओ कहता है, क्या तुम उसे प्यार नहीं करती हो? तो जी मोली एकदम से उनके ऊपर आ जाती है और कहती है, प्यार? वो भी तुमसे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यहाँ पे वो अपने हेयर पिन को निकाल लेती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से रुक जाती है। मिस्टर श्याओ उसे कहते हैं, तुम रुक क्यों गई हो? अगर तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो लो ना। यहाँ पे जी मोली कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अटैक नहीं कर पाऊंगी? मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 2 मिनट में मार दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। वो वहां से उठ के जाने लगती है तो मिस्टर श्याओ उसे पीछे से हग कर लेते हैं और कहते हैं, 8 सालों में मैंने तुम्हें दिन रात हर समय याद किया है, तुम मुझे ऐसे अचानक छोड़ के क्यों चली गई थी? तुमने तो प्रॉमिस किया था ना ग्रेजुएट होने के बाद तुम उससे मैरिज करोगी। तो जी मोली उन पे गुस्सा करने लगती है, कहती है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप श्याओ, आपकी वजह से मेरी फैमिली एक दिन में बर्बाद हो गई। मेरे डैड को मर्डर के केस में फंसाया गया, वो जेल चले गए, मॉम बीमार हो गई, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, और आप कह रहे हैं कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है, सब कुछ आपने ही तो किया है। मिस्टर श्याओ कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जी मोली तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पे वो उनसे कहते कि और ज़्यादा इनोसेंट बने का ड्रामा ना करे, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना तो मुझे आपसे नफरत होती है, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहे। और हाँ, जो भी आपने मेरे साथ किया है ना उससे आपको ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा मुझे, मैं आपको अपने से भी डबल सफ़र करवाऊँगी। जी मोली यहाँ पे गुस्से में उनसे ये सारी बातें कह रही होती है, लेकिन मिस्टर श्याओ उसके हाथ को अपने दिल पे रख लेते हैं और कहते हैं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। लेकिन जी मोली उनसे दूर हो जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है फाइल लेकर और जी मोली से कहता है, आपके अंकल की फैमिली आपके घर को छोड़ के जा चुकी है। जी मोली वहाँ से फाइल लेकर चली जाती है, जिस मिस्टर श्याओ को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि 8 साल पहले जी मोली की फैमिली के साथ क्या हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है लिया को, जो कि न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर श्याओ की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है और वो उससे मैरिज करेंगे। ये न्यूज़ देखकर लिया को गुस्सा आता है, इसलिए वो किसी को कॉल करके अपना कुछ काम करने के लिए कहती है। आगे दिखाया जाता है जी मोली की कज़न को, जो कि उसके घर से कुछ सामान लेकर बाहर आ रही होती है। तभी वो कार से उतरते हुए जी मोली को देख लेती है। वहाँ पे हैंग भी होता है, जो कि जी मोली से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जी मोली कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी कार में जो मिस्टर श्याओ है वो जी मोली से कहते हैं कि कल एक पार्टी है मेरी फैमिली की तरफ से, उसमें तुम्हें आना होगा, बट यहाँ पे जी मोली मना कर देती है। कार में जो मिस्टर श्याओ होते हैं वो जी मोली से कहने लगते हैं कि 2 दिन बाद मेरी तरफ से एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मेरे साथ चलो, पर जी मोली मना करने लगती है। श्याओ कहता है, क्या तुम अपने फादर के बारे में नहीं जानना चाहोगी कि उन्हें इस मर्डर केस में किसने फंसाया था? जी मोली तुरंत ही उससे पूछने लगती है। तो श्याओ कहता है, पहले पार्टी में आना मेरे साथ, उसके बाद कुछ बताऊंगा। वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ये सारी बातें सुन ली होती है जी मोली की सिस्टर ने भी। दिखाया जाता है कार में मिस्टर श्याओ को, जो कि एक नेकलेस को देख रहे होते हैं और मिस कर रहे होते हैं जी मोली को। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि आज आपकी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना है और जल्दी आपकी मॉम भी अब्रॉड से वापस आने वाली है। यहाँ पे मिस्टर श्याओ कहते हैं, ठीक है पहले हॉस्पिटल चलते हैं। आगे दिखाया जाता है जी मोली को, जो कि अपने घर में होती है हैंग के साथ। यहाँ पे हैंग उसका ध्यान रख रहा होता है और उससे पूछता है कि तुमसे क्या कहा है मिस्टर श्याओ ने? जी मोली कहती है, कुछ नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ रही है, ये उसे कहा जाता है। इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच जाती है अपनी मॉम को देखने के लिए, जहाँ पर नर्स कहती है कि फिलहाल ये ठीक है। यहाँ पर जी मोली की मॉम थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है तो जी मोली उन्हें संभाल रही होती है। हैंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जैसे ही वो उस रूम से बाहर आता है
तो वहाँ पे हैंग की फैमिली के गार्ड उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। जी मॉली जब अपनी मॉम के साथ उस रूम में अकेली होती है तो वहाँ पे कुछ फैंस आ जाते हैं लिया के, जो कि उनके ऊपर वेजिटेबल्स फेंकने लगते हैं और वो जी मॉली को मिस्ट्रेस कह रहे होते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम का उन लोगों से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसी हॉस्पिटल में मिस्टर शाओ भी अपनी बेटी को लेकर आते हैं तो उन्हें इस बारे में पता चलता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस वजह से वो सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर शाओ को तुरंत ही जी मॉली की मॉम पहचान लेती है और उनसे बात करने लगती है। ये बात यहाँ पे जी मॉली को भी अजीब लगती है कि उनकी मॉम उसे इतने अच्छे से कैसे पहचान पा रही है। यहाँ पे जी मॉली की मॉम उस छोटी बच्ची को देखकर जी मॉली समझने लगती है और उसे टाइटली हग करती है। यहाँ पे शाओ से कहने लगती है जी मॉली कि तुम यहाँ पे क्या करे हो, तो उनका असिस्टेंट बताता है कि बॉस की बेटी बीमार थी इसलिए हम यहाँ पे इन्हें डॉक्टर को दिखाने आए हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लिया को, जिसके पास वो वीडियो पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो खुश होती है कि अच्छा हुआ उन लोगों ने जी मॉली की ये हालत की है। लेकिन यहाँ पे वो जो डॉक्टर उसे वो क्लिप कट करके भेजता है, वो कहता है थैंक गॉड मिस लिया को ये नहीं पता चला कि यहाँ पे जी मॉली की मदद करने के लिए मिस्टर शाओ आ गए थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जी मॉली के अंकल आंटी को, जो कि उस घर को छोड़ने के बाद काफ़ी टेंशन में होते हैं। उनकी वाइफ कहने लगती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी सारी कंपनी को भी आपके हाथों से ले लेगी। तो वहाँ पे वो कहने लगते हैं मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे उनकी बेटी न्यूज़ देख लेती है लिया के बारे में और कहती है मुझे समझ में आ गया है कि जी मॉली को कैसे रास्ते से हटाना है। इसलिए वो लिया की एक फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करती है और उसके बाद जाकर लिया से मिलती है और यहाँ पे कहने लगती है कि जी मॉली आपके फियांसे को आपसे छीनने की कोशिश कर रही है, असल में वो मेरी सिस्टर है बट उसका कैरेक्टर ख़राब है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो यहाँ पे उसके साथ हाथ मिला लेती है। आगे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जी मॉली को, जो कि अपनी मॉम का ध्यान रख रही होती है। मिस्टर शाओ से एक ग्लास पानी पीने के लिए देते हैं बट जी मॉली उनके हाथ से पानी भी नहीं लेती है और कह देती है मैं आपका ये ड्रामा नहीं देखना चाहती हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलना। ये बात सुन के थोड़ी जी मॉली भी सोच में पड़ जाती है, क्या सच में मिस्टर शाओ अच्छे पर्सन हो सकते हैं। तभी उसके पास कॉल आ जाता है हैंग का, जो कि उससे कहता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा बिजी हो गया हूँ इसलिए कल की पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम उस शाओ से अपनी दूरी बना के रखना क्योंकि वो पर्सन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे जी मॉली कह देती है कि तुम चिंता मत करो मैं उससे हैंडल कर लूंगी। उसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है लिया से जी मॉली की सिस्टर कह रही होती है कि आज अच्छे से हम उसे सबक सिखाएंगे, उसके बाद देखना वो आपके फियांसे को छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लिया के साथ आकर प्लट करने लगते हैं। लिया कहते हैं कि मेरे साथ प्लट करने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं शाओ की फियांसे हूँ, बट वो लोग कहते हैं कि हमें पता है कि शाओ तुम्हें अपनी फियांसे नहीं मानता है इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम लोग तुम्हें अच्छे से रख सकते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे मिस्टर शाओ की एंट्री जी मॉली के साथ होती है तो सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। जो पर्सन लिया के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है वो लिया से कहता है इसीलिए तुम्हें मिस्टर शाओ ने छोड़ दिया है क्योंकि जी मॉली तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ये बात सुन के लिया को बुरा लगता है। यहाँ पे जी मॉली मिस्टर शाओ से कहती है जो आपने मुझे बताने के लिए कहा था पहले आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दे वरना मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊँगी। मिस्टर शाओ उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास थमा देते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसके पास वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। यहाँ पे तभी के फ़ोन पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है जिन्हें देखने लग जाती है जी मॉली, लेकिन पीछे से एक लड़की आती है जो कि उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी के बीच में ला के खड़ा कर देती है और कहती है दोस्तों आप लोग तो इसे जानते ही होंगे, ये उस कातिल की बेटी है जिसने एक मासूम व्यक्ति की जान ली थी। जी मॉली उस लड़की को चुप रहने के लिए कहती है, ऐसा ही मिस्टर शाओ भी कहने लगते हैं। तो वो कहती है मिस्टर शाओ आप इस लड़की के इस भोले से फेस पे मत जाएं, ये बहुत चालाक है, आपको इसके कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं कि अब्रॉड में रहने के कारण इसने क्या क्या किया है। यहाँ पे वो उसके बारे में घटिया बातें कहने लगती है। तो जी मॉली कहती है जो भी तुम मेरे बारे में कह रही हो क्या उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई एविडेंस है या फिर झूठ बोले जा रही हो। तभी जी मॉली की सिस्टर आके बीच में कहने लगती है कि मैं हूँ ना सबसे बड़ा एविडेंस क्योंकि मैं आपकी फैमिली की मेम्बर हूँ और मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपके डैड जेल में है, मॉम पागल हो चुकी है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में है और हमें पता है कि आपने अब्रॉड में रहकर क्या क्या गुल खिलाए हैं। वो यहाँ पे उसके कैरेक्टर को लेकर घटिया बातें कहने लगती है। मिस्टर शाओ सभी को चुप कराते हैं और उसके बाद जी मॉली से कहते हैं कि फिलहाल तुम्हें पार्टी छोड़ के जाना चाहिए, मैं इन सभी को हैंडल कर लूंगा। जी मॉली कहते कि अब मैं ऐसे ही कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ये लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं इनकी बातें सुन लूँ
और उसके बाद मैं भी इन्हें बता दूँ कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। जी मौली सभी से कहने लगती है, अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है तो मेरे सामने कोई अच्छा सा एविडेंस ला के रखे ना। तभी वहाँ पे वो लड़की एक पर्सन को इशारा करके बुला लेती है, जो कि जी मौली का हाथ पकड़ने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा एब्रॉड वाला बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे वहाँ पे डिच कर आ गई किसी और को फंसाने के लिए। वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है, मिस्टर श्याओ उसे रोकते हैं तो वो पर्सन कहता है, मिस्टर श्याओ आप इस लड़की के चक्कर में ना पड़े, ये बहुत घटिया है। तभी यहाँ पे लिया भी कहने लगती है, जी मौली आप ऐसा कर सकती है, ये हमने सोचा नहीं था। जी मौली कहती है कि सभी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे वो पर्सन उसकी एक वीडियो भी दिखाने लगता है, ये देखकर सभी लोग जी मौली के बारे में बेकार बातें बोलते हैं। जी मौली कहती है, तुम सोच समझ के कह रहे हो ना जो भी तुमने अभी कहा है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे झूठ कह रहे हो ना तो उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वो पर्सन कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तभी जी मौली अपने फ़ोन से पढ़ के उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल देती है कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है और करंट गर्लफ्रेंड तुम्हारी कौन है। और साथ में वो ये भी बता देती है कि आज तक तुम तो कभी अब्रॉड गए भी नहीं हो। यहाँ पे वो लड़की जिसने उसे बुलाया होता है वही उस पर गुस्सा करने लगती है, ये कहकर कि तुम मेरे होते हुए और भी गर्लफ्रेंड रख रहे हो। उन दोनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पे मिस्टर श्याओ अपने असिस्टेंट से कहकर उस लड़के को बाहर फिकवा देते हैं, जिसके बाद जी मौली उस लड़की को एक चाड़ा मारती है और कहती है, तुम्हें अपनी इस घटिया हरकत के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट वो लड़की माफ़ी मांगने से मना कर देती है और कहती है, तुम शायद मेरे फादर को नहीं जानती हो, मैं अभी अपने फादर को बुलाती हूँ। यहाँ पर वो कॉल करके अपने फादर को बताने लगती है इस बारे में, जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर श्याओ जी मौली से कहने लगते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, इसके फादर पावरफुल है। बट जी मौली कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। यहाँ पे जो होती है लिया, वो कहने लगती है जी मौली से कि आपने सही नहीं किया है इस पे हाथ उठाकर, आप नहीं जानती है कि इसके फादर डी ग्रुप के साथ काम करते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जी मौली कहने लगती है, मिस लिया आप तो इसकी तरफदारी ऐसी कर रही हैं जैसे कि ये सब कुछ करने के लिए आप ही ने इसे कहा था, कहीं आप ही तो मुझे इस तरीके से तंग करने का नहीं सोच रही थी। एकदम से लिया कहती, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। यही बात वो मिस्टर श्याओ से भी कहने लगती है, बट श्याओ भी उसे यहाँ पे इग्नोर कर रहा होता है। तभी देखते हैं उस लड़की के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया है। जी मौली यहाँ पे उनसे कहने लगती है, अगर आप अपनी बेटी को अच्छे मैनर्स नहीं देंगे तो उसके साथ यही होगा। ये बात सुन के उसके फादर को और गुस्सा आ जाता है और वो जी मौली को डांटने लगते हैं। यहाँ पे वो उन्हें अपनी पावर दिखाने लगते हैं, ये कहकर कि मैं ड्री ग्रुप के साथ काम करता हूँ। जी मौली कहती है, अच्छा तो आप उस ग्रुप के मैनेजर है। जी मौली मन में सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी काम कर रहे होंगे। वो यहाँ पे उनसे कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि आपको डी ग्रुप जैसे कंपनी में काम करना चाहिए, मैं आपको अभी वहाँ से हटवा देती हूँ। तो वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है जो तुम हमें डी ग्रुप से हटवा पाओगी। यहाँ पे उनकी बेटी आगे बढ़ के बोलने लगती है, अगर तुम ऐसा कुछ कर पाई ना तो मैं नीज पे बैठ के तुमसे माफ़ी मांगूंगी। जी मौली कहती है, ठीक है अपने इस प्रॉमिस को याद रखना। और वो तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके वहाँ पे बुलवा लेती है। यहाँ पे सेक्रेटरी जी मौली की तरफ देख कर इशारा करती है और उसके फादर को उसका फायर लेटर दे देती है और कहती है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुन के वो तो शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। जी मौली कहती है, अब आपके बेटे को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए और नीज पे बैठ के माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके फादर उससे कहने लगते हैं, बट वो मना करती है तो उसके फादर उसी को चाटे से मारने लगते हैं और जी मौली से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर भिजवा दूंगा, ये कभी आपके सामने नहीं आएंगी। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर श्याओ काफ़ी गौर से जी मौली को देख रहे होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यहाँ पे सोचने लगती है लिया, क्या सच में जी मौली इतनी पावरफुल लोगों से कनेक्शन रखती है जो इसने इन्हें भी जॉब से निकलवा दिया। यहाँ पे ये देखकर तुरंत ही जी मौली से वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं। मिस्टर श्याओ भी सभी को डांटते हैं, कहते हैं कि अब किसी को क्या ये जानने की ज़रूरत है कि जी मौली कौन है और कौन नहीं। सभी लोग यहाँ पे चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ की मॉम आ जाती है जो कि जी मौली को देखती है तो गुस्से में आ जाती है। जी मौली भी पास्ट के बारे में याद करने लगती है कि उन्होंने उसे कैसे ट्रीट किया था इससे पहले कि वो लोग कोई बात कर पाते। वहाँ पर आकर मिस्टर श्याओ की मॉम जी मौली को चाटा मार देती है और कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ोगी। जी मौली भी मिस्टर श्याओ से कहने लगती है, आप मुझे ये दिखाना चाहते थे, बहुत हो गया है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चली जाती है। मिस्टर श्याओ अपनी मॉम से कहते हैं कि ये आपने क्या किया। उसकी मॉम कहती है कि तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए लिया बेटर है, देखो ये 8 साल से तुम्हारा वेट कर रही है, अब तुम जल्दी इससे मैरिज कर लो। लेकिन मिस्टर श्याओ कह देते हैं कि मैरिज का डिसीजन मैं खुद लूँगा, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती है और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़ के बाहर आ जाता है जी मौली के पीछे और उसे वहाँ से जाने से रोकने लगता है।
लेकिन यहाँ पे जी मोली काफी नाराज रहती है, इसलिए रुकने को तैयार नहीं होती। मिस्टर श्याओ कहते हैं प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि मॉम वहाँ पे आके ऐसा कर देगी। वो उससे कहते हैं तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा है? जी मोली कहते हैं प्लीज अब अच्छा बने का दिखावा मत करे। यहाँ पे मिस्टर श्याओ कहते हैं बस मुझे 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैंने कभी भी तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पे जी मोली उनकी ये बात सुन के रुक जाती है। उसके बाद मिस्टर श्याओ की मॉम को दिखाया जाता है लिया के साथ बात करते हुए। लिया उनके सामने रोने लगती है और कहते हैं कि 8 साल से मैं उनके साथ हूँ बट वो अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। उसकी मॉम कहते हैं तुम चिंता मत करो, श्याओ की मैरिज तो तुमसे ही होगी, मैं किसी भी कीमत पे जी मोली को उसकी लाइफ से निकाल के रहूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे जी मोली की मॉम एडमिट रहती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें तभी देख लेता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग कहने लगते हैं कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ जी मोली की मॉम से मिलने आए हैं। जी मोली की मॉम जैसे ही उन्हें देखती है तो उनसे बात करने लगती है और कहते हैं हमें जल्दी श्याओ और जी मोली की मैरिज करवा देनी चाहिए। वो उन्हें पकड़ने लगती है तो जी मोली की मॉम पर श्याओ की मॉम चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे जी मोली और मिस्टर श्याओ भी पहुँच जाते हैं। जी मोली उनसे कहने लगती है कि आप मेरी मॉम के पास क्या करने आई हैं, लेकिन श्याओ को देखकर वो लोग कहने लगते कुछ नहीं बस हम लोग तुम्हारी मॉम को देखने आए थे। यहाँ पे लिया झूठ कहने लगते हैं मिस्टर श्याओ से कि आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने डॉक्टर को दिखाने लाई थी, फिर हमें पता चला कि यहाँ पे जी मोली की मॉम भी है तो हम लोग उन्हें देखने आ गए। पर एकदम से जी मोली कहती है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है, क्या श्याओ की मॉम भी पागल हो गई है जो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने आई थी? तो वो लोग फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो श्याओ की मॉम के लिए। यहाँ पे तभी श्याओ अपनी मॉम से कहता है कि 8 साल पहले आपने जी मोली से क्या कहा था और आपने इसे उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया था। उसकी मॉम एकदम से कहती है अच्छा तो तुम्हें मेरी बातों पे नहीं इस जी मोली की बातों पे भरोसा है। मिस्टर श्याओ कहते हैं इसने तो आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि मॉम आपने उससे ये सारी झूठी बातें क्यों कही थी। उसकी मॉम कहती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मिस्टर श्याओ गुस्से में लिया की तरफ देखते हैं, लिया कहते कि मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। बट मिस्टर श्याओ उसे एकदम से धक्का देकर दूर कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। यहाँ पे वो अपनी मॉम से कहते हैं कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस पर्सन को बुलवा लाते हैं जिसने 8 साल पहले जी मोली से झूठ कहा था, ये कि उसने उसके फादर को किसी का मर्डर करते हुए देखा है। यहाँ पे वो पर्सन कहता है मुझे माफ़ कर दे मिस्टर श्याओ, ये सब कुछ जी मोली से मैंने आपकी मॉम के कहने पर कहा था क्योंकि उन्होंने उस समय मुझे पैसे दिए थे। सभी लोग ये देखकर शॉक होते हैं। मिस्टर श्याओ गुस्से में अपनी मॉम से कहते हैं आपने मेरे और जी मोली के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो उन्हें गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मिस्टर श्याओ यहाँ पे जी मोली से बात करते हैं तो जी मोली कहती है मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ लेकिन इससे हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, आप यहाँ से चले जाए। बट फिर भी मिस्टर श्याओ से बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हैंग जी मोली का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर मिस्टर श्याओ उन्हें रोकते हैं और जी मोली से कहते हैं तुम्हारा इस पर्सन के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम इससे प्यार करने लगी थी इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। जी मोली कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, मैं हैंग से प्यार करती हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर श्याओ का तो दिल टूट जाता है और वो उससे कहते हैं ये बातें तुम मेरी आंखों में देखकर कहो, पर जी मोली बस उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। श्याओ कहता है कि मैं कितना पागल था, 8 साल से एक धोखेबाज लड़की से प्यार कर रहा था और उसका वेट किया मैंने। जी मोली कहती है किसने कहा था आपको मेरा वेट करने के लिए, मैं आपसे नफरत करती हूँ प्यार नहीं। ये सुनकर मिस्टर श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हैंग के साथ जी मोली वहाँ से चली जाती है। पीछे से असिस्टेंट आता है और कहने लगता है मिस्टर श्याओ से कि आप ये क्या कह रहे थे मैडम से, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बट फिलहाल श्याओ यहाँ पे अपने असिस्टेंट की बात नहीं सुनता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जी मोली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद हैंग के हाथ को छोड़ देती है और उससे कहती है आई एम सॉरी मुझे उनके सामने झूठ कहना पड़ा, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ, मैं तुम्हारा इस सिचुएशन में फ़ायदा उठा रही हूँ इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो कार की तरफ चली जाती है। हैंग यहाँ पे कहने लगता है जी मोली माफ़ी मत मांगो, मैं तो तुम्हें पूरे 10 साल से प्यार करता हूँ, न जाने कब मैं अपना ये प्यार तुम्हें बता पाऊंगा। तभी जी मोली उसे कार से आवाज़ देती है वहाँ पे आने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे हैंग कहता है जी मोली से कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर करी है। ये बात सुन के जी मोली काफ़ी खुश होती है। घर पे दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को, उन्हें सर्वेंट से पता चलता है कि उनकी बेटी ने खाना पीना बंद कर दिया है इसलिए वो उसके रूम पर जाते हैं। जहाँ पे उनकी बेटी जब रूम से बाहर आती है तो रोने लगती है और कहती है मुझे ग्रैंडमा ने बताया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे ऑर्फनेज से गोद लिया गया है और मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। ये कहते हुए वो बच्ची एकदम से बेहोश हो जाती है।
इसलिए मिस्टर शाओ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां पे जी मोली अपनी मॉम को बाहर गार्डन में घुमा रही होती है। तभी वो मिस्टर शाओ को देखती है, जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि इस बच्ची के पेरेंट्स मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है और मैं इस बच्ची का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। वो अपने आप को ही इस चीज़ के लिए कोस रहे होते हैं। ये देखकर जी मोली सोचती है कि इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी जी मोली की मॉम मिस्टर शाओ को देख लेती है और उनके पास भागकर जाती है। वो उनसे कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी से कब मैरिज करोगे, इसे अचानक छोड़ के क्यों चले गए और तुम अपनी स्टडीज़ में इतना बिजी क्यों रहते हो। वो यहाँ पे उन्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही होती है, तो उन्हें रोकने लगती है जी मोली। मिस्टर शाओ जी मोली को देखकर भावुक हो जाते हैं और उसे हग करने लगते हैं, तो मिस्टर शाओ का असिस्टेंट वहाँ से उनकी मॉम को लेकर चला जाता है। जी मोली मिस्टर शाओ से दूर होती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। शाओ कहता है, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लेगा। तभी वहाँ पे आने लगता है हैंग, तो मिस्टर शाओ उसे देख कर जानबूझ के जी मोली को उसके सामने किस कर लेते हैं, पर जी मोली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हैंग कहने लगता है शाओ से कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, क्या तुमने सुना नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, मुझसे प्यार करती है। कहने लगता है यहाँ पे शाओ कि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और उसकी आंखों से मुझे पता चल गया है कि वो तुम्हें नहीं चाहती है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, वो अभी भी मुझे चाहती है। हैंग यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारा ये प्यार 8 साल पहले कहाँ गया था, जब वो तकलीफ में थी, तब तो तुम उसके पास नहीं थे, मैं था उस समय उसके पास, इसलिए अब तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो मेरी है। आगे देखते हैं हैंग को, जो कि जी मोली को रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, इसलिए लेट मत होना। जी मोली उसे हाँ कह देती है। उसके बाद दिखाया जाता है जी मोली के पास मैसेज आता है मिस्टर शाओ की मॉम की तरफ से, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिस्टर शाओ की मॉम और लिया दोनों वेट कर रहे होते हैं जी मोली का, तो जी मोली वहाँ पे पहुँचती है तो मिस्टर शाओ की मॉम उसे 1 मिलियन देने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ के चली जाओ। लेकिन जी मोली उस कार्ड को तोड़ के फेंक देती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये सुन के शाओ की मॉम उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर जी मोली उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगली बार मैं आपका हाथ पकड़ूंगी नहीं बल्कि आपके हाथ को तोड़ दूंगी, इसलिए आप दोनों मुझसे दूर रहे। वो उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। जी मोली जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछती है, क्या उस लेडी का पता चला है जिसके फादर की डेथ हुई थी और उस जुर्म में मेरे फादर को जेल हुई है। यहाँ पे असिस्टेंट कहती है, नहीं मैडम, हम बस अभी उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जी मोली जल्दी से उस लड़की को ढूंढने का उन्हें ऑर्डर देती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर शाओ को, जो कि अपनी बेटी को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन वो खाना खाने से मना करती है और ड्राइंग कर रही होती है। उसकी ड्राइंग को देखकर असिस्टेंट कहता है, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि मैडम जी मोली को ड्रॉ किया है, क्या ये मैडम जी मोली को मिस कर रही है। ये बात सुन के शाओ उसे अपने फ़ोन में जी मोली का फ़ोटो दिखाने लगता है, तो उसकी बेटी तुरंत उसे मॉम कहती है और उसके पास जाने के लिए बोलती है। तो शाओ अपनी बेटी को उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि कुछ गिफ्ट्स खरीद लो। उसके बाद जी मोली को देखते हैं घर पे, जहाँ पे उसे कॉल आता है हैंग का, वो कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी मोली कहती है, बस आधे घंटे में मैं रेडी होकर वहाँ पे पहुँच रही हूँ। वो यहाँ पे अपने लिए ड्रेस चूज़ कर रही होती है पहनने के लिए, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कोई आ जाता है, जिसके बाद जी मोली सोचती है कि इतने लेट कौन आया होगा। वो जाके डोर खोलती है तो वहाँ पे मिस्टर शाओ अपने असिस्टेंट के साथ होते हैं। असिस्टेंट यहाँ पे उन्हें गिफ्ट देने लगता है और मिस्टर शाओ उसके बिना बुलाए ही घर के अंदर आ जाते हैं। असिस्टेंट तो छोड़ के चला जाता है मिस्टर शाओ और उसकी बेटी को। वहाँ पे जी मोली कहती है कि मैंने तुम लोगों को अंदर आने के लिए नहीं कहा था, तुम लोग इतना लेट मेरे घर में क्या कर रहे हो। कुछ समय बाद देखते हैं उन्हें किचन में कुकिंग करते हुए, जहाँ पे मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरी बच्ची बीमार है और वो तुम्हें अपनी मॉम समझती है, तो प्लीज़ तुम उसे यहाँ पे रहने दो कुछ समय के लिए। जी मोली ये बात सुन के थोड़ी परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि वैसे इसकी रियल मॉम कहाँ है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वो एक्सीडेंट के दौरान मारी गई है जब ये बहुत छोटी थी। तो यहाँ पे जी मोली को भी उस बच्ची के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो कुछ समय उन्हें वहाँ पे रहने देती है। दूसरी तरफ हैंग को देखते हैं, जिसने होटल में काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया होता है, क्योंकि वो आज जी मोली को प्रपोज करने की सोच रहा होता है। काफ़ी लेट तक वो वहाँ पे जी मोली का वेट करता है, पर जी मोली नहीं पहुँचती है, जिसके बाद हैंग को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। जी मोली के घर पे देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर शाओ की डॉटर कहने लगती है, आप दोनों प्लीज़ मेरे साथ इसी बेड पे सो जाए ना। तो यहाँ पे दोनों उसकी बात मान के बेड पे लेट जाते हैं। जी मोली को अजीब लग रहा होता है, तो हैंग कहता है, मैं काफ़ी दिनों से टायर्ड हूँ, सोया नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। यहाँ पे वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर शाओ की मॉम को, जो कि लिया को मिस्टर शाओ की रूम की की दे देती है और कहती है, आज रात तुम उसके साथ रहना और फिर मुझे मेरा एक ग्रैंडसन दे देना, क्योंकि मैं अपनी बेटी की मैरिज तुमसे ही करवाऊंगी। रात के समय में देखते हैं जी मोली को, उसकी आंखें खुलती है तो वो गौर से मिस्टर शाओ की तरफ देखने लगती है। उसके बाद मॉर्निंग में दिखाया जाता है जी मोली काफ़ी अच्छे से मिस्टर शाओ की डॉटर को ट्रीट कर रही होती है और उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है। ये देखकर मिस्टर शाओ कहने लगते हैं जी मोली से, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में आके रहने लगो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे जी मौली कह देती है, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, अगर आप लोगों को रहना है तो आप लोग मेरे घर में आके रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले मिस्टर श्याओ आपको मेरे घर का काम करना होगा, सफाई झाड़ू पोछा सब कुछ आपको करना होगा। ये बात सुन के वहाँ पे असिस्टेंट हंसने लगता है और कहता है, क्या बॉस हमारे ये सब काम करेंगे? जी मौली कहती है, मैं मजाक कर रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ मिस्टर श्याओ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी उनसे उनकी बेटी आके कहने लगती है, डैड प्लीज़ मुझे मॉम के साथ रहना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना। तो मिस्टर श्याओ जी मौली के पास जाकर कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना सामान पैक करके अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। जी मौली कहते हैं कि मैं मजाक कर रही थी, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर श्याओ कहने लगते हैं, मैंने तो इस बात को सीरियसली ले लिया है, इसलिए बस मैं अभी अपना सामान पैक करके वापस आता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया जाता है लिया को, जो कि मिस्टर श्याओ के रूम में रहती है और सर्वेंट को कहती है, जो पानी मैंने तुम्हें दिया है ना वही तुम मिस्टर श्याओ को पिलाना और कोई गलती मत करना। मिस्टर श्याओ जब घर में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे सर्वेंट आकर उन्हें वही गिलास देती है पानी का। मिस्टर श्याओ उस पानी को पी लेते हैं और सर्वेंट से कहते हैं, तुम जाकर मेरी बेटी का सामान पैक करो क्योंकि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। मिस्टर श्याओ जब अपने रूम में आते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, तभी पीछे से लिया आ जाती है और उन्हें हग करती है, कहती कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मिस्टर श्याओ उसे अपने से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उनकी तबीयत भी खराब हो रही होती है, यहाँ पे उन्हें चिपकने लगती है लिया ये कहकर कि 8 साल से मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप उस लड़की को क्यों नहीं भूले हैं, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है। वो यहाँ पे उनके गले पड़ने लगती है। मिस्टर श्याओ को उसमें जी मौली दिखने लगती है, इसलिए वो उसके थोड़े करीब तो आते हैं, लेकिन एकदम से जब वो अपने होश में आते हैं तो उसे धक्का मार के दूर कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा। वहाँ पे तुरंत असिस्टेंट आ जाता है और मिस्टर श्याओ की ये कंडीशन देखता है तो वो उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पे देखते हैं जी मौली को, जो सोचती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। उसके बाद मिस्टर श्याओ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। कुछ देर में वहाँ पे जी मौली भी पहुँच जाती है उनकी बेटी के साथ और उनकी ये हालत देखकर पूछने लगती है कि इन्हें क्या हुआ है। असिस्टेंट सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ मैडम लिया ने इनके साथ करने की कोशिश की है। यहाँ पे जी मौली कहने लगती है, तुम ठीक तो हो ना? श्याओ कहता है, अब मैं ठीक हूँ। जी मौली को वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? जी मौली कहती है, नहीं मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी चिंता नहीं कर रही थी। लेकिन श्याओ की डॉटर कहती है, नहीं डैड मम्मा झूठ कह रही है, इन्हें तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। यहाँ पे असिस्टेंट उस बच्ची को वहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है जी मौली से, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए, मुझे कुछ काम है। जी मौली मिस्टर श्याओ का ध्यान रखने लगती है, उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाती है। मिस्टर श्याओ कहते हैं, क्या तुम मुझे अभी तक माफ़ नहीं करोगी? यहाँ पे हंसने लगती है जी मौली और कहती है, मैं आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। तभी यहाँ पे जी मौली के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम वहाँ से गायब हो गई है। जी मौली परेशान होती है और हॉस्पिटल जाने लगती है तो मिस्टर श्याओ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देखकर जी मौली को पास्ट की बात याद आती है कि वो कैसे उसका हाथ पकड़ के हमेशा चला करते थे। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे हैंग होता है, जो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम अचानक ही यहाँ से गायब हो गई, बस मुझे एक नोट मिला है यहाँ पे जिसमें लिखा होता है कि उसकी मॉम को वहाँ से लेकर गई है मिस्टर श्याओ की मॉम। तो ये एकदम से जी मौली गुस्से में आ जाती है। यहाँ पे कहता है, श्याओ मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे गलत मत समझना। जी मौली कहते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, पहले मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। श्याओ यहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो उसे हैंग रोक देता है ये कहकर कि तुम उसकी लाइफ में से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इसलिए उससे दूर रहो। जी मौली उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे श्याओ की मॉम ने उसे बुलाया होता है। वहाँ पे लिया भी साथ में होती है। वो लोग उसे फिर से धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर अपनी मॉम को देखना चाहती हो तो तुम हमारे बेटे को छोड़ के चली जाओ। पर जी मौली कहते हैं कि मैं आप लोगों से डरने नहीं वाली हूँ। वो वहाँ पे तुरंत अपने गार्ड्स को बुला लेती है। ये देखकर वो लोग शॉक होते हैं कि डी ग्रुप के गार्ड्स इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। जी मौली पूछते हैं कि मेरी मॉम कहाँ है, मुझे बता दे। श्याओ की मॉम कहती है कि मैं जब तक वहाँ पहुँची थी तुम्हारी मॉम वहाँ से पहले ही गायब थी, मैंने तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं किया है। वहाँ पे तभी मिस्टर श्याओ भी पहुँच जाते हैं, जो कि जी मौली से बात करने की कोशिश करते हैं, बट वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है जी मौली की मॉम को एक अलग रूम में रखा होता है डॉक्टर हैंग ने, और वो नर्स से कहते हैं कि ये यहाँ से कहीं बाहर ना जा पाए। उसके बाद जी मौली अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलती है, इसलिए वो काफ़ी परेशान होती है। ऐसे ही यहाँ पे मिस्टर श्याओ भी परेशान होते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से इतना दूर अकेले चले जाए, इसके पीछे किसी का हाथ है, जल्दी से पता लगाओ कि वो कहाँ पर है।
उनके आदमी भी उन्हें ढूंढने में बिजी रहते हैं। यहाँ पे जी मोली अपने ऑफिस में रहती है, तभी उसके पास हैंग आ जाता है, उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके लिए फूड लाता है, कहता है तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे तभी उसके पास कॉल आ जाता है शाओ का और वो कहता है तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे पता चला है, इसलिए जल्दी से तुम आ जाओ। जी मोली वहाँ से जाने की बात करती है तो हैंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दूसरी तरफ जी मोली के अंकल आंटी को दिखाया जाता है, वहाँ पे उनकी बेटी कहती है मैं जाकर मैडम लिया से बात करती हूँ, वो हमारी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगी। इसलिए वो जाकर लिया से मिलती है और कहती है आपको कुछ करना चाहिए जी मोली को रास्ते से हटाने के लिए, क्यों ना आप अपने ब्रदर की मदद लें। यहाँ पर वो उसके साथ कुछ प्लानिंग करने लगती है। इधर हम देखते हैं जी मोली को जो कि मिस्टर श्याओ के पास पहुंचती है और कहती है बताओ मेरी मॉम कहां पर है। मिस्टर श्याओ उसे एक घर की तरफ इशारा करते हैं, वहां से एक लेडी बाहर आती है जो कि उन्हें देखकर भागने लगती है। जी मोली कहती है ये तो वही लेडी है जिनके फादर की डेथ हुई थी और इसका इल्ज़ाम मेरे फादर पे आया है और वो इसलिए जेल में है। मिस्टर श्याओ उस लेडी को पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सच बताओ कि तुम्हारे फादर की जान कैसे गई थी। यहाँ पे जी मोली कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मिस्टर श्याओ कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर को भी तो इनोसेंट साबित करना है ना। जी मोली कहती है ये तो ठीक है लेकिन मुझे पहले मेरी मॉम के बारे में बताओ। तो मिस्टर श्याओ फिर उसे दूसरी जगह चलने के लिए कहते हैं। हैंग कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ ये झूठ बोल रहा है, बट फिर भी जी मोली एक बार फिर से मिस्टर श्याओ की बात सुन लेती है। उधर हम देखते हैं लिया को जो कि अपने ब्रदर को मिलने के लिए बुलाती है और उनसे कहती है कि जी मोली मुझसे मेरे फियांसे को छीनने की कोशिश करी है। तो उसका ब्रदर कहता है तुम चिंता मत करो मैं उस लड़की को देख लूंगा, तुम्हें क्या नहीं पता है कि मेरी दोस्ती डी ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ है, वो लड़की अगर डी ग्रुप में काम करती है तो कोई नहीं, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। यहाँ पे उन्हें देखकर लाइन मारने लगती है जी मोली की सिस्टर, तो वो बंदा भी उस पर फ्लैट होने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद जी मोली वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे मिस्टर श्याओ ने कहा था कि उसकी मॉम है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम नहीं मिलती है। ये देखकर हैंग कहने लगता है मैंने कहा था ना जी मोली कि इस पर्सन पे भरोसा मत करो। तभी वहाँ पे आ जाती है जी मोली की मॉम, तो जी मोली उन्हें देखने लगती है। जी मोली उस नर्स से कहती है कि तुम मेरी मॉम को लेकर कहाँ गई थी, वो नर्स बता देती है कि मिस्टर हैंग ने ही आपकी मॉम को स्पेशली यहाँ रखने के लिए कहा था। जी मोली को मिस्टर हैंग पे भी गुस्सा आने लगता है। श्याओ यहाँ पे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारी परवाह की है। वो यहाँ पे उससे दो चार इमोशनल होने वाली बातें कहकर चला जाता है। बाद में असिस्टेंट कहता है मैडम बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ आप उन्हें गलत मत समझे, वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हैंग जी मोली से बात करने की कोशिश करता है तो जी मोली गुस्से में उसे फिलहाल वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसके बाद दिखाया जाता है जी मोली की सिस्टर को जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके घर आती है, तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं ये कहकर कि हमारे पास वैसे ही पैसे कम है और तुम ऐसे उड़ा रही हो। तो वो कहती है डैड ये मैंने नहीं खरीदे हैं, ये तो लिया के ब्रदर ने मुझे दिलाए हैं, उनका दिल मुझ पे आ गया है। तो वो लोग फिर खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा करो लिया के ब्रदर से ही मैरिज कर लो, इससे हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आगे दिखाया जाता है मिस जी मोली को जो कि उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। पहले वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती है और सारा ब्लेम उसके डैड पे डालती है, पर जब उससे स्ट्रिक होकर पूछती है जी मोली तो वो बता देती है कि मेरे डैड बीमार थे, उस समय मैं तुम्हारे पास आई थी इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए पर तुम लोगों ने नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरे डैड चले गए मुझे छोड़ के, इसलिए मैंने उनकी मौत का इल्ज़ाम तुम्हारे फादर पर डाल दिया। यहाँ पर जी मोली उसे चाटा मारती है और कहती है पागल लड़की तुम्हारे डैड के लिए हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स का इंतजाम करवाया था लेकिन तुम्हारे डैड की बीमारी ऐसी थी कि वो ठीक नहीं हो सकती थी, इसीलिए हमने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, बस हम तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे पर तुमने हमें ही गलत समझा। यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे जेल में ले जाओ। यहाँ पे जी मोली दुखी होती है कि जितने भी लोग उनके क्लोज थे उनके डैड ने उनकी मदद की थी लेकिन सब ने उन्हें हमेशा धोखा ही दिया। उसके बाद वो बार में जाके ड्रिंक करने लगती है, काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पे पहुँच जाती है लिया अपने ब्रदर और जी मोली की सिस्टर के साथ, वो लोग उसे देखते हैं तो अपने ब्रदर से कहने लगते हैं कि इसे आप सबक सिखाइए, इसलिए वहाँ पे आ जाता है लिया का ब्रदर। पहले तो वो जी मोली पे लाइन मारता है ये कहकर कि तुमने लास्ट टाइम मेरी सिस्टर की इंसल्ट की थी, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं माफ़ कर दूंगा और चाहो तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। पर जी मोली उसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी घटिया बात करो। तो यहाँ पे लिया के ब्रदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने लगता है।
लेकिन तभी मिस्टर चाओ वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि वो भी उसी बार में ड्रिंक कर रहे थे। वो यहाँ पे उनसे फाइट करने लगते हैं। लिया का ब्रदर मिस्टर चाओ के सर में एक बोतल मार देता है जिससे कि वो वहीं पे फ्लोर पे गिर जाते हैं। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे जी मोली कहने लगती है, मिस्टर चाओ आपको कुछ नहीं होगा। चाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर हैंग को देखते हैं जो कि जी मोली की मदर के पास रहते हैं। वहाँ पे जी मोली नहीं आती है तो वो नर्स से पूछते हैं। नर्स कह देती है ना जाने आज वो क्यों नहीं आई, वरना डेली अपनी मम से मिलने आती थी। मिस्टर हैंग अपने किसी आदमी को कॉल करके पता लगाने के लिए कहते हैं कि फ़िलहाल जी मोली कहाँ पर है। जी मोली को हॉस्पिटल में मिस्टर चाओ के पास दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस्टर चाओ को होश आ जाता है तो मिस्टर चाओ उससे फिर से माफ़ी मांगने लगते हैं। पर जी मोली कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। मिस्टर चाओ उसके फोरहेड पे प्यार से किस करते हैं और उसे वही नेकलेस रिटर्न करते हैं जो वो उसके लिए लास्ट टाइम लाए थे। उस नेकलेस को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, पर फिर उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछने लगती है कि उसकी मॉम कौन थी। मिस्टर चाओ उसे बताते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है, असल में वो मेरे कज़न ब्रदर की बेटी है जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, अब बस मैं उसका ध्यान रखता हूँ। लिया को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर से पूछती है क्या हुआ, मिस्टर चाओ जिंदा तो है ना। उसका ब्रदर कहता है मिस्टर चाओ जिंदा है लेकिन हमें जी मोली का कुछ करना होगा। जी मोली जब अपनी सेक्रेटरी के साथ अपनी कंपनी की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पे लिया का ब्रदर पहुँच जाता है जो कि उसे बीच रास्ते में रोक लेता है। जी मोली कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ पे उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, वो मना करती है तो वो उसके फादर की वीडियो उसे दिखाता है। कहता है कि तुम्हारे फादर जेल से तो आ गए हैं लेकिन फिलहाल मेरे कब्जे में है। वो यहाँ पे चुपचाप उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ज़बरदस्ती वो उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल में मिस्टर चाओ की बेटी और उनकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि तुम उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, देखो आज उसके चक्कर में तुम हॉस्पिटल आ गए हो। मिस्टर चाओ कहते हैं मॉम प्लीज़ आप मेरे पर्सनल मैटर्स से दूर रहे और जी मोली के बारे में कुछ ना कहे। यहाँ पे उनकी बेटी पूछने लगती है कि मॉम कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। चाओ कहता है कि वो कुछ समय में आने वाली है इसलिए तुम मेरे पास ही रहो। उसके बाद देखते हैं वो लोग जी मोली को वहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे उसके फादर होते हैं। जी मोली अपने फादर से बात करने लगती है लेकिन लिया का ब्रदर उसके साथ वहाँ पे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। उसके फादर रोकते हैं तो वो उसके फादर को मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जी मोली उन्हें ये सब कुछ करने से रोकने लगती है और कहते हैं जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। लिया उससे कहते हैं कि पहले तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा ताकि मिस्टर चाओ मेरे हो सके। जी मोली यहाँ पे अपनी असिस्टेंट की तरफ इशारा करती है जिसके बाद वो अपनी वॉच से एक सिग्नल भेज देती है अपने गार्ड्स को इससे पहले कि वो लोग वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत कर पाते। वहाँ पे आ जाते हैं उनके गार्ड और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ देखकर लिया और उसका ब्रदर कंफ्यूज होता है। वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये कौन है। यहाँ पे असिस्टेंट उसे बॉस कहती है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि डी ग्रुप की रियल बॉस तो जी मोली ही है। एकदम से लिया का ब्रदर उससे माफ़ी मांगता है बट जी मोली उन्हें माफ़ नहीं करती है और अपने गार्ड से कह देती है कि इन्हें जेल में डलवा दो। वहाँ पे तभी मिस्टर चाओ भी पहुँच जाते हैं अपनी बेटी के साथ और वो उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, चलिए हम लोग घर चलते हैं। उन्हें साथ में जाते हुए देखकर असिस्टेंट कहता है फाइनली मेरे बॉस की फैमिली कंप्लीट हो गई है, ये लोग बिल्कुल एक अच्छी सी फैमिली की तरह दिख रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जी मोली की सिस्टर को जिसे न्यूज़ से पता चलता है कि लिया फैमिली बैंक्रप्ट हो चुकी है। ये न्यूज़ वो अपनी मॉम को बताती है। वहाँ पे उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम लिया के ब्रदर को बुला लो, सभी लोग साथ में डिनर करेंगे। लेकिन उसकी फैमिली उसे भी बता देती है कि वो लोग बैंक्रप्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जी मोली की सिस्टर कहने लगती है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं सोच रही थी कि उनसे मैरिज करके मैं रिच हो जाऊँगी लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो उसकी मॉम कहती है क्यों ना तुम मिस्टर चाओ पे अपना जादू चलाओ, उन्हें पटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे वो भी मिस्टर चाओ के सपने देखने लगती है। इधर देखते हैं जी मोली को जो कि हॉस्पिटल में जाके अपने डैड से मिलती है। उसके डैड कहते हैं मैं ठीक हूँ। यहाँ पे उसके डैड मिस्टर चाओ को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं शायद इतने सालों में तुमने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। लेकिन मिस्टर चाओ नहीं इस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दे, मैं 8 सालों में इसके साथ नहीं था। तो यहाँ पे उसके डैड उसे थोड़ा डांटने लगते हैं लेकिन जी मोली कहती है डैड ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं, प्लीज़ आप इन्हें माफ़ कर दे। तो फिर उसके डैड उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं आगे तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, अगर इस बार हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर चाओ उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं कि आगे मैं इसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। जी मोली के फादर उससे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं तो वो उन्हें बता देती है कि मॉम बीमार है। ये बात सुनकर उसके फादर थोड़े शॉक होते हैं।
लेकिन वो जी मोली से कहते हैं कि मुझे वहाँ पे लेके चलो, क्योंकि मुझे अभी के अभी तुम्हारी मॉम से मिलना है। जी मोली जब वहाँ पे अपने फादर को लेकर पहुँचती है तो वहाँ पे पता चलता है कि उसकी मॉम वहाँ पे है ही नहीं। नर्स से भी यही पता चलता है कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गायब हो गई है। सभी लोग परेशान होने लगते हैं। शाओ कहता है कि मैं ढूंढ के लाता हूँ, बट जी मोली कहती है नहीं, तुम डैड के पास रहो, मैं मॉम को ढूंढ के लाती हूँ। उसके बाद जी मोली को देखते हैं अपने असिस्टेंट के साथ, जिन्हें एक वीडियो से पता चलता है कि लिया उसकी मॉम को वहाँ से लेकर गई है। जी मोली सोचती है कि वो जेल में थी, वो बाहर कैसे आई। तभी यहाँ पे जी मोली के पास लिया कॉल करती है और उसे अकेले एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। इसलिए जी मोली अपने असिस्टेंट को कार से उतार देती है और खुद अकेले उस जगह पे पहुँच जाती है, जहाँ पे लिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं करूँगी, बस तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो यहाँ पे लिया की बात मान के जी मोली उसे अपना एक कार्ड दे देती है और उसके बाद अपनी मॉम को देखने लगती है। लेकिन लिया पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि जी मोली वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी लिया कहती है अब तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर आ सकते हो। वहाँ पे डॉक्टर हैंग आ जाता है, जो कि प्यार से अपनी बाहों में उठा लेता है जी मोली को और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लिया जेल में होती है तो वहाँ पे हैंग उससे मिलने के लिए जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वही उसे जी मोली की मॉम को वहां से किडनैप करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम इस मेडिसिन का अटैक कर देना जी मोली के ऊपर, जिसके बाद जी मोली हमेशा के लिए उन लोगों को भूल जाएगी जिनसे वो प्यार करती है और फिर उसकी लाइफ में मैं रह जाऊंगा। ये सब कुछ लिया ने मिस्टर हैंग के कहने पे किया था। आगे दिखाया जाता है जी मोली की मॉम को वहां पे एक नर्स लेकर आ जाती है। उसके हस्बैंड उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने लगता है शाओ जी मोली कहाँ रह गई है। वो जी मोली को कॉल करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता है, इसलिए वो उसके लिए परेशान होता है। जी मोली को एक रूम में देखते हैं, तभी उसे होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ पे आ जाता है डॉक्टर हैंग और कहने लगता है बेबी तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम अपने घर में हो। जी मोली कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। हैंग उसे अपने बारे में याद दिलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वो उसे बताता है कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए तुम अपनी थोड़ी बहुत मेमोरी भूल गई हो। उसे वो रिंग पहना देता है और प्यार से हग करने लगता है, लेकिन फिर भी जी मोली को कुछ याद नहीं आता है। इधर ऑफिस में देखते हैं मिस्टर शाओ को, वो अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि 20 दिन हो गए हैं लेकिन जी मोली का कुछ नहीं पता चला है। तभी असिस्टेंट कहता है कि मैडम जी मोली की असिस्टेंट आपसे मिलना चाहती है। वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहने लगती है बॉस मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा था अगर वो वहाँ से वापस ना आ पाए तो फिर आप उनकी कंपनी को हैंडल करना और उनके पेरेंट्स का ध्यान रखना। लेकिन मिस्टर शाओ गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि जी मोली जरूर वापस आएगी, वो अपना काम खुद करेगी, मैं उसका काम क्यों करने लगा, उसे ढूंढ के निकालो। आगे जी मोली के पेरेंट्स को घर पे लंच करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं जी मोली के और कहने लगते हैं आपको इस घर को फिर से मुझे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस घर में रहने के लायक नहीं है। यहाँ पे जी मोली के फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन जी मोली के अंकल कहने लगते हैं आपकी बेटी तो मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएंगी, तो आप कर ही क्या पाएंगे, क्योंकि जल्दी से कंपनी भी अब मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगी, वो भी पूरी तरीके से। इसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। जी मोली की जो मॉम होती है वो एक बाउल उठाकर मार देती है जी मोली के अंकल के सर में। सारी फैमिली आपस में झगड़ा कर रही होती है, मिस्टर शाओ आकर उन्हें रोकते हैं। यहाँ पे जी मोली के अंकल कहने लगते हैं शाओ से कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि मेरी सिख सिस्टर इन लॉ ने मेरे सर पे बाउल दे मारा है, देखिए मुझे चोट लगी है, मैं तो सिर्फ इनसे हाल चाल पूछने आया था। इसी बीच यहाँ पे जी मोली की जो कज़न होती है वो भी मिस्टर शाओ को चिपकने लगती है, ये कहकर कि जी मोली कभी वापस नहीं आएगी, शायद वो मर चुकी है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ तो क्यों ना आप मुझसे मैरिज कर ले। लेकिन ये बात सुन के मिस्टर शाओ गुस्से में उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और ये कभी मत कहना कि जी मोली वापस नहीं आएगी, वो ज़रूर वापस आएगी। मिस्टर शाओ उसकी पूरी फैमिली को डरा देते हैं और वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जी मोली को, जो कि अपने रूम में होती है। पीछे से आकर हैंग उसे हग करता है तो जी मोली उससे कहती है कि मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने डैड और मॉम की याद आ रही है। वो उससे वापस जाने की बात कहती है तो हैंग उसकी बात सुन लेता है। इधर जी मोली के बारे में उसके फादर पूछने लगते हैं शाओ से कि क्या कुछ पता चला। शाओ कहता है कि फिलहाल कुछ पता नहीं चला है, बट अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। साथ में वो कंपनी की शेयर होल्डर वाली मीटिंग में उनका सपोर्ट करने की भी बात कहता है। आगे दिखाया जाता है जी मोली के अंकल को, जो कि अपनी फैमिली से कह रहे होते हैं मैं देखता हूँ कि कैसे मेरा ब्रदर मुझसे इस कंपनी को छीनता है, कल की मीटिंग में वो लोग मुझे ही हेड बनाएंगे कंपनी का। उसके बाद हमें कंपनी की मीटिंग होते हुए दिखाया जाता है।
जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जी मौली के फादर को सपोर्ट करने की बात कह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी जी मौली के अंकल आ जाते हैं और उन्हें डराने लगते हैं, ये कहकर कि वो अभी जेल से आए हैं, क्या ही कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। वो अपने सपोर्टर्स को कह रहे होते हैं कि कंपनी का हेड मुझे ही चूज़ किया जाए, लेकिन वहाँ पे मिस्टर शाओ जी मौली के फादर के साथ पहुंच जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी जी मौली के फादर की है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि 8 साल से मैं इसे मैनेज कर रहा हूं, इसलिए आज से ये कंपनी मेरी होती है और आप मुझे। जी मौली के अंकल उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पे जी मौली आ जाती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं। मिस्टर शाओ तो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। जी मौली अपने अंकल से कहते हैं कि आप इस कंपनी के हेड नहीं बन सकते हैं। वो यहां पे उस लड़की को ले आती है जो कि सबके सामने सच बताती है कि मेरे फादर को मारने के पीछे जी मौली के अंकल का हाथ था। और यहां पे जी मौली सभी लोगों को कुछ फाइल्स दिखाती है, जिसे ये पता चलता है कि जी मौली के अंकल ने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किया है पैसों का, जिसके बाद सारे शेयर होल्डर्स उन्हें कंपनी का हेड बनाने से मना करने लगते हैं। यहाँ पर जी मौली के अंकल तो शॉक हो जाते हैं, उनकी फैमिली कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और कहने लगती है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शाओ यहाँ पे जी मौली से बात करने की कोशिश करता है तो जी मौली उसे पहचानती ही नहीं है। यहाँ पे शाओ उसके पास जाने की कोशिश करता है तो डॉक्टर हैंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं ये अब मेरी फियांसे है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। जी मौली उनके साथ वहाँ से जाने लगती है। जी मौली के फादर कहते हैं शाओ से, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो दिक्कत हुई है, मैं अपनी बेटी से घर कर बात करूंगा, शाओ तुम चिंता मत करो। उसके बाद जी मौली को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पे हैंग भी होता है। तो जी मौली की मॉम काफ़ी गौर से हैंग की तरफ देखने लगती है। हैंग उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं तो आपका डॉक्टर हूँ, आप मुझे कैसे भूल गई। एकदम से उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और कहते कि इसने मुझे हर्ट किया था। तो यहाँ पे जी मौली और उसके डैड उसे संभालने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है, वो परेशान होते हैं इस बात से कि जी मौली उन्हें नहीं पहचान पाई। असिस्टेंट उन्हें कॉपी देता है और फिर कहने लगता है कि मैडम आपको 20 दिन में कैसे भूल सकती है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। यहाँ पे तभी शाओ के पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो घर वापस आ गई है, इसलिए शाओ उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जी मौली को रात के समय में सोते हुए, तो उसे मिस्टर शाओ के ड्रीम आते हैं जिससे उसकी आँखें खुल जाती हैं। वो फिर अपनी असिस्टेंट से मिलती है और इस बारे में पूछती है कि मेरा मिस्टर शाओ से क्या रिश्ता है। असिस्टेंट यहाँ पे डरते हुए उनसे झूठ कह देती है कि आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, बस वो आपके साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे। पर जी मौली इस जवाब से यहाँ पे खुश नज़र नहीं आती है, उसके दिमाग में शाओ घूमता ही रहता है। मिस्टर शाओ को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा से मिलते हैं तो उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ग्रैंडमा कह दिया तुम चिंता मत करो, एक बार मैं उस लड़की से मिल लूँ फिर देखती हूँ कि उसे क्या बीमारी हो गई है जो वो अचानक ही तुम्हें भूल गई है। नेक्स्ट डे मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर हैंग से जाकर मिलते हैं। पहले तो वो अपने गेम में बिजी रहता है, जब उससे बात करता है तो कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। शाओ उसे कहता है कि मैं तुमसे जी मौली के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन हैंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, बस यही कहता है कि वो मेरी फियांसे है, तुम दूर रहो। शाओ उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो सिर्फ मेरी है और जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगी। ये बात सुन के यहाँ पे हैंग को गुस्सा आने लगता है। आगे दिखाया जाता है शाओ को जो कि मिलने के लिए जाता है जी मौली से उसके ऑफिस में, तो जी मौली उसे देखकर कुछ समय के लिए देखती ही रह जाती है। उसके बाद वो उनसे हैंग से करती है तो उसे टच करके भी अजीब महसूस होता है। यहाँ पे वो पूछती है मिस्टर शाओ से कि आप क्यों आए हैं। मिस्टर शाओ यहाँ पे उसके एक प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की बात कहता है और इसके बदले उसे रात को डिनर पे इन्वाइट करता है। जी मौली उसे हाँ कह देती है। जी मौली की सेक्रेटरी जब वहाँ पे कॉफ़ी लेकर आती है तो वो मिस्टर शाओ को देखकर थोड़ा नर्वस फील करने लगती है। शाओ तो वहाँ से उन्हें बाय बोल के चला जाता है, पर जी मौली नर्वस होने का रीज़न अपनी सेक्रेटरी से पूछती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है। मिस्टर शाओ जब जी मौली के ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं तो उसे लिया देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो इस बारे में कॉल करके डॉक्टर हैंग को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि तुम इन दोनों को अलग रखो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद रात के समय में जी मौली जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर मिस्टर हैंग ऑलरेडी डिनर रेडी कर चुके हैं। वो उन्हें वहाँ पे देखकर थोड़ा हैरान होती है। हैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो साथ में डिनर करते हैं। पर जी मौली कहते हैं कि मुझे आज कहीं और जाना है, बाहर जाके मुझे किसी के साथ डिनर करना है। तो हैंग उसे चिपकने लगता है और कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पर वो उस फैमिली को छोड़ के खुद बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर फिर से जी मौली की मॉम यही चिल्लाती है कि इसी ने मुझे उस दिन कुछ किया था, मुझे ये दूसरे रूम में लेके गया था। वो यहाँ पे उसे बैड पर्सन कहने लगती है। ये देखकर उसके डैड हैरान होते हैं जी मौली के।
उसके बाद देखते हैं वो दोनों मिस्टर शाओ के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हैंग कहने लगता है, शायद आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए होंगे, बट मैं क्या करूं, मैं अपनी फियांसी के बिना रह ही नहीं पाता हूं। यहां पे कहने लगता है शाओ, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो सिर्फ इन्हें डिनर पर इन्वाइट किया था। वो जानबूझ के जी मोली के ऊपर पानी डाल देता है, इसलिए वो अपने कपड़ों को क्लीन करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पे जो हैंग होता है वो गुस्से में शाओ से कहने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं बता दूँ कि जी मोली मेरी है और उसे तुम्हारे बारे में अब कभी याद नहीं आएगा। वॉशरूम में जब जी मोली होती है तो वहाँ पे मिस्टर शाओ की ग्रैंड माँ से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो उन्हें पहचान तो नहीं पाती है, बट ग्रैंड माँ उसका हाथ पकड़ के उसे चेक करती है और कहती है, तुम्हारी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है जी मोली को। ग्रैंड माँ बाहर आने के बाद मिस्टर शाओ के असिस्टेंट से कहने लगती है, जल्दी मेरे साथ चलो क्योंकि मार्केट से हमें कुछ सामान खरीदना है। मुझे पता चल गया है कि जी मोली को क्या हुआ है, मैं उसकी दवाई जल्दी ही तैयार कर देती हूँ। ये बात सुन के असिस्टेंट खुश हो जाता है। आगे दिखाया जाता है हैंग को, जो कि कह रहा होता है शाओ को कि तुम जी मोली से दूर रहो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन यहाँ पे तभी शाओ से एक फाइल दिखाने लगता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। उस फाइल को देखने के बाद भी कह देता है यहाँ पे हैंग कि मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरता हूँ, और वो वहाँ से जी मोली को लेकर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद देखते हैं मिस्टर शाओ को, जो कि वहाँ पे ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। मिस्टर शाओ की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उनकी मैरिज के लिए किसी लड़की से बात कर रही होती है। पीछे से वहाँ पे लिया आ जाती है और कहती है, अजीब बात है आंटी, अब आप अपने बेटे के लिए किसी और लड़की को ढूंढ रही है। कल तक तो आप मेरी शादी उनसे करवाने की बात कह रही थी। लेकिन उसे देखकर शाओ की मॉम थोड़ा डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। बट लिया कहती है कि मेरे पास आपके खिलाफ कुछ प्रूफ है, जिनसे ये पता चलता है कि आपने जी मोली की मॉम को किडनैप करने की कोशिश की थी। अगर वो सारे प्रूफ मैंने पुलिस को दे दिए तो फिर आपको जेल हो जाएगी, इसलिए आप मेरा कहना माने तो ही अच्छा होगा। वो उसकी मॉम को डराने लगती है। इधर देखते हैं कार में, जहाँ पे हैंग किस करने की कोशिश करता है जी मोली को, पर जी मोली गुस्से में उसे अपने से दूर कर देती है। हैंग कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, हम दोनों फियांसे हैं एक दूसरे के, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर जी मोली को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, इसलिए वो फिलहाल उसे दूर रहने के लिए कहती है। मिस्टर शाओ को देखते हैं, जो कि ड्रंक कंडीशन में घर पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात ग्रैंड माँ से होती है, जो उससे कहती है, ये पीने के बजाय तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे उनकी बात सुनने लगता है शाओ और कहता है कि ग्रैंड माँ, मैं तो आपको उस लड़की से मिलवा भी नहीं पाया, बट ग्रैंड माँ कहते हैं मैं उससे मिल ली हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या हुआ है, और मैंने उसकी मेडिसिन प्रिपेयर कर दी है, बस तुम उसे पिला दो, उसके बाद देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और इस तरीके से होप मत छोड़ो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास जल्दी वापस आएगा। यहाँ पे कार में मिस्टर हैंग जी मोली से कह रहे होते हैं कि तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती हो, क्या दिक्कत है। जी मोली उससे कहती है कि तुम कहते हो कि तुम मेरे फियांसे हो, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा समय दो। तो हैंग उसकी बात सुन लेता है। जी मोली जब अपने घर जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा हैंग से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये बात सुन के जी मोली उनसे पूछती है इस चीज़ का रीज़न, पर उसके फादर उसे कुछ नहीं कहते हैं, ये सोचकर कि उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। बस वो उसे यही कहते हैं कि अगर तुम मैरिज करने की सोच रही हो तो इस चीज़ का डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के इस चीज़ का डिसीजन लेना। उनकी ये बात सुन के जी मोली के मन में फिर से मिस्टर शाओ का ख्याल आने लगता है। इधर मिस्टर शाओ को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट को वो मेडिसिन खरीदने के लिए पेपर्स देने लगता है, जो उसकी ग्रैंड माने उसे दिए होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है असिस्टेंट को, जो कि उन मेडिसिन्स को खरीद के जा रहा होता है। तभी उसके पास जी मोली आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। आगे दिखाया जाता है मिस्टर शाओ को ऑफिस में, वहाँ पे तभी जी मोली आती है। वो उन्हें सोचते हैं असिस्टेंट आ गया है, वो उसकी तरफ देखते नहीं है और कहते हैं क्या तुम दवाई ले आए हो। उसके बाद ऑफिस में मिस्टर शाओ को देखते हैं, वहाँ पे जी मोली पहुँच जाती है और उनके सामने वो दवाइयाँ फेंक कर कहती है कि ये सब कुछ क्या है। मिस्टर शाओ जैसे ही उसे देखते हैं तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और पकड़ के किस करने लगते हैं, और जी मोली भी यहाँ पे उन्हें मना नहीं करती है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर शाओ की ग्रैंड माँ को, जो कि डिनर कर रही होती है बाहर। यहाँ पे मिस्टर शाओ की मॉम उनसे मिस्टर शाओ की मैरिज को लेकर बात करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर शाओ की डॉटर कह देती है, नहीं मेरी मॉम सिर्फ जी मोली है और मेरे डैड उनसे ही मैरिज करेंगे। इसलिए ग्रैंड माँ मिस्टर शाओ की मॉम को कहती है कि वो जी मोली से मैरिज करना चाहता है, तो तुम उसे किसी और से मैरिज करने के लिए फोर्स मत करो। देखते हैं जी मोली को, जो कि उन मेडिसिंस को पी रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके ऑफिस में आती है, तो जी मोली उससे फिर पूछती है कि मुझे बताओ कि मेरे और शाओ के बीच में क्या रिश्ता था। वो यहाँ पे फिर से उसी बात को रिपीट करती है कि आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, बस वो आपके साथ काम करने वाले थे एक प्रोजेक्ट पे। पर जी मोली उससे कहते कि तुम झूठ कह रही हो, मैं और वो दोनों लवर्स थे।
यहाँ पे ये बात सुन के असिस्टेंट एकदम से कहती है, मैडम इसका मतलब यह है कि आपको सब कुछ याद आ गया है। वो यहाँ पे उन्हें हक करने लगती है। जी मोली उससे पूछती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा था। यहाँ पे वो बता देती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे डॉक्टर हैंग ने कहा था, अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट कर देते, इसलिए बस मैं चुप थी ताकि आपको वो हर्ट ना करे। जी मोली कहती कि फिलहाल मुझे सब कुछ याद नहीं आया है, बट हाँ थोड़ा बहुत याद आ गया है। तभी वहाँ पे शाओ अपने असिस्टेंट के साथ एक लॉलीपॉप लेकर पहुँच जाता है और कहता है शायद ये दवाई कड़वी होगी तो तुम्हें इसे खाना चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट दोनों चले जाते हैं उन दोनों को अकेला छोड़ के। दोनों थोड़ी देर तो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। उसके बाद शाओ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाती है। तो शाओ वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है और कहता है जी मोली से कि अब मैं तुम्हें ऐसे कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम दोनों को ये प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ ही फेस करनी पड़ेगी और हम दोनों साथ में मिलकर इन्हें सॉल्व भी कर लेंगे। जी मोली कहते हैं कि अभी मुझे सारी बातें याद नहीं आई है लेकिन कुछ कुछ बातें याद आ रही है। वो मिस्टर शाओ को किस करने लगती है तो वो भी उसे प्यार से किस करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर शाओ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि लिया से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर झूठ बोल के मैंने अपने बेटे को यहाँ पर बुला लिया है, अब तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो। लिया कहती है कि पहले आप अपने बेटे को आने तो दे। वहाँ पर जी मोली के साथ पहुँच जाता है शाओ। शाओ यहाँ पे अपनी मॉम से कहने लगता है मॉम आपने फिर मुझसे झूठ कहा। उसकी मॉम कहती है ये सब कुछ मुझे लिया ने करने के लिए मजबूर किया था। लिया जब उन दोनों को साथ में देखती है तो कहने लगती है तुम दोनों साथ में कैसे आ सकते हो, ये तो तुम्हें भूल गई थी ना। पर जी मोली कहती है कि नहीं अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। यहाँ पे मिस्टर शाओ उसे कहने लगते हैं कि अब तुम जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। वो लोग उसे वहाँ पे पकड़ने लगते हैं ताकि फिर से जेल में डलवा सके। आगे दिखाया जाता है मिस्टर शाओ और जी मोली को जो कि उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हैंग ने उन्हें बुलाया था। हैंग यहाँ पे जी मोली से कहने लगता है देखो सारी तैयारियां मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए की है, अब हम लोग जल्दी मैरिज कर लेंगे। पर जी मोली कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पर हैंग कहने लगता है मैंने तुम्हें ये सब कुछ पाने के लिए किया था, तुम कैसे किसी और की हो सकती हो जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन वो लोग उसे समझाने लगते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे किसी को भी किसी से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। हैंग उनकी बात नहीं सुनता है और वो कहने लगता है मिस्टर शाओ को या तो आप जी मोली को छोड़ के जाए वरना आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। वो यहाँ पे उनकी बेटी का वीडियो उन्हें दिखाने लगता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है जिससे कि हैंग और जी मोली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जी मोली यहाँ पे हैंग से कहने लगती है जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी, बस तुम उस बच्ची को छोड़ दो। तो मिस्टर हैंग उसे मैरिज के पेपर्स पे साइन करने के लिए कहते हैं। जी मोली ये करने को तैयार हो जाती है और उसके बाद उस बच्ची के बारे में उससे पूछने लगती है। हैंग उसे एक बॉक्स में दिखा देता है कि बच्ची सेफ है। मिस्टर शाओ उस बच्ची के पास जाते हैं तो हैंग उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जी मोली उससे कहने लगती है ये तुम क्या कर रहे हो हैंग, तुम्हारे कहने पे मैंने पेपर्स पे साइन कर तो दिए हैं। बट हैंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी मुझसे डिवोर्स ले लोगी, अगर शाओ जिंदा नहीं रहेगा तो फिर तुम किसके पास जाओगी, फिर तो तुम मेरी ही रहोगी। वो यहाँ पे शाओ को मारने की धमकी देने लगता है। जी मोली उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, शाओ को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। बट वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, वो उसे छत से गिरने की धमकी देता है। जी मोली यहाँ पे बैठ के रोने लगती है और कहती है हैंग आज तक तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम इतने बैड पर्सन कैसे बन सकते हो, मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसे रोते हुए देख कर हैंग समझ जाता है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी, सिर्फ उसे एक दोस्ती समझती है। इसलिए हैंग छोड़ देता है मिस्टर शाओ को लेकिन खुद ही मरने के लिए छत से कूदने लगता है। लेकिन जी मोली और मिस्टर शाओ उसे पकड़ लेते हैं और गिरने नहीं देते हैं। उसके बाद मिस्टर शाओ जी मोली से कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, जी मोली कहती है मैं ठीक हूँ। हैंग उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया, तो उससे कहता है यहाँ पे शाओ कि तुम्हारी सजा इतनी कम नहीं हो सकती है, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जेल में मिलेगी ना कि ऐसे मर के। मिस्टर हैंग यहाँ पे माफ़ी मांगने लगते हैं जी मोली से। शाओ और जी मोली वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, वो बच्ची बेहोश होती है इसलिए उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। यहाँ पे जी मोली के पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है तो वो बाहर चली जाती है कॉल रिसीव करने के लिए। कुछ समय बाद उस बच्ची को होश आ जाता है जो कि मिस्टर शाओ से कहती है डैड आप जल्दी से मॉम से मैरिज कर लीजिए ताकि हम दोनों साथ में रहने लगे। तो यहाँ पे शाओ कह देता है ठीक है मैं आज उसे प्रपोज कर दूंगा। ये बात सुन के वो बच्ची खुशी के मारे बेड पे उछलने लगती है। तभी वहाँ पे जी मोली आती है और उनसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो मिस्टर शाओ उससे कहते हैं कि अब मैं और ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। वो अपनी नीस पे बैठ जाते हैं और रिंग दिखाकर उसे मैरिज के लिए पूछने लगते हैं। जी मोली भी यहाँ पे उन्हें हाँ कह देती है, जिसके बाद मिस्टर शाओ और जी मोली प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं और वो बच्ची भी फिर उन दोनों को हक करने लगती है और कहते हैं कि अब मुझे मॉम और डैड दोनों मिल गए, अब मैं साथ में रहूँगी इन लोगों के साथ। इसी हैप्पी मोमेंट पे गाइस ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।